पागल वागल हो गया क्या? सुबह 7:30 बजे क्लास लेने के लिए 6 बजे उठना होगा। 7:30 बजे उठूंगा तो क्लास कैसे लूंगा? अरे बहुत दर्द करेगा यार, इतना जल्दी उठना, कितने महीने हो गए। फिर आप सेकंड या थर्ड क्लास रख दो केमिस्ट्री। अबे फिर मेरे को है ना पहले 3S आना, पहले सक्षम आना होगा, फिर 3S आना होगा, फिर सक्षम जाना होगा। पागल हो जाऊंगा मैं, रोड पे गाड़ी चलाता रहूंगा। फिर थोड़े दिनों के अंदर है ना मैं पढ़ाना लिखाना छोड़ के है ना वो कैब सर्विसेज चालू कर दूंगा। सर आप पेपर का भी बता दो, मतलब कहाँ तक आने वाला? यार याद नहीं कहाँ तक आने वाला, पेपर बना दिया क्या मैंने, ये भी नहीं याद है। सर आप रीशफलिंग टेस्ट्स लेने वाले बीच बीच में? बीच बीच में बहुत कुछ होने वाला है ना, अभी पहले मैं गुप्ता सर से बात कर लूँ, उन्होंने मेरे को टेक्स्ट लिख के भेजा हुआ है कि सर जैसे ही आप फ्री हो तो हम लोग इस बारे में बात कर लेंगे, तो हम लोगों की बात पेंडिंग है। चलिए प्लीज, हमारा रोटेशनल एनर्जी बैरियर हो गया था, अपने को आगे बातें करनी है। और वैसे भी मैं आज की क्लास थोड़ी जल्दी छोड़ूंगा बिकॉज मेरे पास अभी आज शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा टाइट है, मतलब मैं 1:15 को क्लास छोड़ दूंगा आज, तो लेट मी टीच नाउ। हम लोगों ने रोटेशनल एनर्जी बैरियर पढ़ लिया है, ऐसा आपने मेरे को बता दिया है। अब मुझे पढ़ाना है आपको अगला चीज, और मैंने कहा था आज मैं आपको स्ट्रेन पढ़ाऊंगा, राइट? सर वो बेंजीन का हीट ऑफ जो क्या बोलते हैं हीट ऑफ कुछ था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाँ वो भी बाकी है, मुझे मालूम है वो बाकी है, पर वो बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बाद आएगा। स्ट्रेन थ्योरी देखिए, बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या बोलती है, और पहली बात ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी केवल प्लेनर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, नॉन प्लेनर के लिए बेयर स्ट्रेन थ्योरी नहीं लगती। और बेयर स्ट्रेन थ्योरी में आपके पास क्या है जरा समझिए, ये है साइक्लोप्रोपेन, ये है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। ये वाला बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का, ये वाला बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का, ये वाला बॉन्ड एंगल 108 डिग्री का। ये जो जो कार्बन्स हैं, जिन कार्बन्स के ऊपर अपन जिन कार्बन्स के अपन एंगल नाप रहे हैं, उनके जो बॉन्ड एंगल नेचुरल होने चाहिए थे वो कितने होने चाहिए थे? 109 डिग्री 28 मिनट्स होने चाहिए थे, पर है कितना? 60। तो बेसिकली जो डेविएशन है वो डेविएशन इन बॉन्ड एंगल कितनी है, वो है 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 60, मतलब 49 डिग्री 28 मिनट्स। इस वाले में डेविएशन कितनी है? 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 90 डिग्री, और 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 108 डिग्री, मतलब ये है 19 डिग्री 28 मिनट्स, और ये है 1 डिग्री 28 मिनट्स। तो इस ये जो एंगल कम हो रहा है ना, इस एंगल को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है जरा देखिएगा प्लीज, नेचुरली ये ऐसा होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। आपको यदि इसको कम करना है, मतलब ये लो इसको भी हटा देते हैं, यदि आपको इसको कम करना है तो आपको इधर से और इधर से फोर्स लगानी पड़ेगी। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, हाँ यार कितने मिनट कितने होता है मेरे को मालूम नहीं अभी के लिए, पहले इधर समझो। तो क्या होएगा, ये आप दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे ऊपर से नीचे से, तो धीरे धीरे करके ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा इधर को, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और जो आप फोर्स लगाएंगे ना वो सारी की सारी फोर्स और एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन।
वो स्ट्रेन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, ठीक है, और स्ट्रेन की फॉर्म में स्टोर होके फिर ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो जितना बॉन्ड एंगल, जितना डेविएशन आएगा, इतना बॉन्ड एंगल कम होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रेन होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन, और जो स्ट्रेन होगा वो स्टेबिलिटी को इनवर्सली इफेक्ट करेगा। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन स्ट्रेन, सॉरी इनवर्स। सर बोल भाई। सर अभी जो आपने जो साइक्लोप्रोपेन बनाया या फिर बाकी के कंपाउंड बनाए, उसमें 60 डिग्री एंगल वो दो लाइक कार्बन वाले, कार्बन 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 वाले इसमें है क्या? हाँ। तो बाकी के जो हाइड्रोजन जो आउटर प्लेन है उसके साथ नहीं बनेगा, जो कार्बन का चेन होना चाहिए वो प्लेन में होना चाहिए सर? नहीं, वो तो वही प्लेन में होंगे ना, तो ट्राइंगल नहीं, बिल्कुल कार्बन कार्बन ही प्लेन में होंगे। हाइड्रोजन तो फ्री ना भाई, रिंग बनाने के लिए जो ट्रायंगल बनाना है तो प्लेनर ही बन सकता है ट्रायंगल, तो और कोई शेप तीन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो कार्बन सिस्टम ही चेक चेक करना था। और बिल्कुल जस्ट लाइक स्प्रिंग। बोलो आगे बढ़े क्या? अब ये डेविएशन आपने मेजर कर लिया, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जब यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला भाई इससे ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला भाई, क्योंकि इसमें स्ट्रेन कम है और इन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये। अब कभी कभी बच्चों को लगता है कि सर ये भी जो एंगल है 120 डिग्री का है। सर बोल सुमेध, और जो भी कुछ प्रणव बात करने की कोशिश कर रहे हो वो बाद में करने ले, बोल भाई। सर वो पिछले वाले स्लाइड में एक मिनट बताऊंगा। सर दिख रहे नहीं सर, वो 120 डिग्री लाने के लिए तो उसको बॉन्ड को एक्सटेंड करना पड़ेगा ना? नहीं, बता रहा हूँ क्या हो रहा है, सबर कर। ओके सर, ठीक है, समझ गया। ठीक है, आगे देखो। अब ये जो बॉन्ड एंगल है, ये कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये वाला बॉन्ड एंगल तो 120 है, तो इसमें भी स्ट्रेन होना चाहिए, पर इसमें स्ट्रेन नहीं होता है क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है, ये होता है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म कैसी होती है? ऐसी फॉर्म। इसको अपन बोलते हैं चेयर फॉर्म। क्या बोलते हैं? चेयर फॉर्म, जिसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो परफेक्ट 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। सर सर तो उसको वैसा क्यों दिखाते 120 डिग्री के साथ? वो तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं ना भाई, हेक्सागन तो हेक्सागन की तरह अच्छा दिखता है इसलिए बनाए थे, पर होता थोड़ी ना है वो। ठीक है सर, स्ट्रक्चर प्लेनर है ना वो? नहीं, नॉन प्लेनर है वो, ये ऐसा दिखाते हैं पर ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नॉन प्लेनर। तो फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या काम का है फिर? अभी मैंने कहा इसमें sp3 है ना सर? सर सब में sp3 है। हाँ, पर सब में देख, जब तक तेरे पास एक मजबूरी समझ भाई, तेरे को 109 डिग्री का एंगल चाहिए कम से कम sp3 के लिए, इन सब में 109 पहुंच ही नहीं सकता है, और आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो एंगल कम ही होगा, बढ़ेगा तो है नहीं। सर तो मतलब प्लेन, सर तो मतलब सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड ही प्लेन में होने चाहिए क्या? बिल्कुल, वहीं पे तो स्ट्रेन लग रहा है, वहीं पे तो रिंग बन रही है, बाकी सब में तो क्या फर्क पड़ता है। सर मतलब जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेंगे उनका कुछ रोल ही नहीं है स्ट्रेन में? नहीं सर, बट अगर नॉन प्लेनर है तो फिर अगर एंगल 120 डिग्री सपोज नॉन प्लेनर मेरा तो भी स्ट्रेन नहीं लगेगा ना? कि लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? लगेगा ना यार, 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था सर। वो प्लेनर स्ट्रक्चर्स के लिए ना बोला था स्टार्टिंग में।
हाँ तो ये है ही नहीं ना स्ट्रक्चर, अभी मैं आऊंगा वापस और इसके, ये ले ये वाला एग्जांपल हटाइए तो ये। हाँ भाई अमान, मैं तेरा केमिकल बॉन्डिंग का कौन सा कंसेप्ट डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ सर? ये जो पेंटागन वाला है वो, उसके तो हाइड्रोजन प्लेन में नहीं होगा बेटा, सिर्फ रिंग की बात हो रही है। देख जो एटम फ्री है ना उनको कोई समस्या नहीं है, जो एटम रिस्ट्रिक्टेड है ना कि भाई रिंग बनाने के लिए आपको ये चार एटम चाहिए, अरे बाकी का हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? तो फ्री एटम है, तो कहीं पर भी हो सकता है। समस्या केवल उन वाले बॉन्ड्स की होती है जिन वाले बॉन्ड्स को आपको पकड़ के रखना है। अब यदि आप इन सबको पकड़ के रख के एक पांच की रिंग बनाओगे तो सीधी सी बात है, जो मिनिमम पॉसिबल एंगल में रिंग बनेगी वो तब बनेगी जब ये प्लेन में बने। और ये छह में जाके 120 का एंगल बनता है, तो वो कहता है मैं 120 का एंगल का एक को बनाऊं। यदि मैं नॉन प्लेनर बनके 109 का एंगल बना के एग्जिस्ट कर सकता हूँ तो 109 का एंगल बना के एग्जिस्ट करूंगा ना सर। तो वो फिर इसमें आएगा ही नहीं ना, वो बेयर में नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। मैंने जब एग्जाम्पल डिस्कस किए ना, केवल ये तीन डिस्कस किए, एक दो तीन, वो वाला डिस्कस ही नहीं किया। और बोलो, बोल भाई। सर उसका 3D स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? किसका? साइक्लो हेक्सेन का 3D स्ट्रक्चर? अभी तो इसे समझ रहे नहीं कि प्लेन 2D पे सर अमान ये कौन से कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग? मुझे भी नहीं मालूम, मैंने उससे पूछा उसने मेरे को कॉन्सेप्ट्स नहीं, ऐसा हमारे असम्प्शंस कॉन्सेप्ट्स नहीं। सर अब कैड पे दिखा दो ना। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ सर। ऐसा होता है, ठीक है सर। वो जो बीच के दो कार्बन है ऊपर है क्या? हाँ मतलब देख, ये जो H4 और H1 वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन ऊपर है, और ये जो H2 H3 वाला कार्बन है ये नीचे है, और ये जो जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचे वाला कार्बन है जिसमें H3 पर्पल है और H2 ब्लू है, वो नीचे की तरफ है। तो ये दोनों नीचे की तरफ है, और बाकी के ये चार जो है, मतलब जो बाकी के चार कार्बन से जो बीच में है, वो सब एक प्लेन पर है। सर नहीं समझा। सर कोई 3D रेंडर मिल जाएगा आपको ऑनलाइन? अलग इमेज बताओ। सर इसमें हर कार्बन को H1 H2 H3 H4 ही किया है सर। सर H1 वाला एक एक्सिस पे है क्या, मतलब एक नंबर में? सर वो बीच पे जो कुर्चे लगे रहती सर, वो ऐसा है क्या? चुप अभी, चुप, ऐसे ऐसे मत, मैं बहुत मेहनत वाला काम कर रहा हूँ अभी। हाँ जी, अभी स्क्रीन दिख रही है सर? फ्रीज है सर, वहाँ पे अटकी हुई है। वो आएगा ना, वो स्क्रीन अभी हैवी हो गई है फोटो लगाने की वजह से।
आई नो सर नहीं सर सर वो फोटो टीम्स पे भेज देना नहीं फोटो टीम्स की बात स्क्रीन आई हाँ सर हाँ अभी दर्द समझ इसमें आ गई सर मुबारक ये जो आइटम है ना ये चार जो है ये चारों एक प्लेन में है ऐसे ठीक है ये जो कुर्सी है ये जो पार्ट है ये इस प्लेन के ऊपर है ये जो एंगल है ना ये 109 डिग्री 28 मिनट का है ठीक है और ये जो एंगल है ये भी 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है ये नीचे की तरफ है तो वो जो बोल रहा है ना कि बीच में रिलैक्स करने वाली कुर्सी होती है बिल्कुल वैसा ही कुछ है ये रिक्लाइनर टाइप का है कि ये सीट है ये बैक सपोर्ट है ये लेग सपोर्ट है अभी ठीक है नॉन प्लेनर दिख रहा है भी हाँ सर नीले नहीं ओपन बुक जैसा नहीं है दोस्त सर पर वो दोनों ऊपर क्यों नहीं गए हाँ सर समझा 109 डिग्री ऊपर क्यों नहीं गए वो अपन तब बात करेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा ये कंफर्मेशन आइसोमर से पढ़ाऊंगा आज से आज तारीख है 5 तारीख है ना आज क्या तारीख है आज 6 तारीख है ना तो आज 6 तारीख से नियरली 25-26 तारीख को पढ़ाऊंगा टेंशन नहीं लो पूरा आगे बड़े आगे सर हाँ हाँ जी अभी वापस आ गया स्क्रीन सब कुछ प्रॉपरली हाँ सर अब आगे हाँ जी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है सर लास्ट वाला होगा ना क्यों 120 डिग्री वाला सर नॉन प्लेनर है डिग्रीज का डिग्री का डिफरेंस कम होगा ना देखो जो नॉन प्लेनर होके नॉन प्लेनर हो जाएगा और बाकी ये वाला जो एंगल है परफेक्ट 120 का होगा ठीक है मतलब आपके लिए ये वाला स्ट्रक्चर है बेंजीन ये वाला स्ट्रक्चर परफेक्ट 120 होगा जो होना चाहिए sp2 के लिए कोई दिक्कत है सर वो जो आपने एग्जांपल में लास्ट स्ट्रक्चर दिखाया सर उसका स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा थोड़ा सा प्लेनर थोड़ा सा नॉन प्लेनर समझा अब इसीलिए ना क्योंकि इसके बॉन्ड एंगल बिल्कुल परफेक्ट होते हैं इसीलिए बेंजेनॉइड रिंग्स ज्यादा स्टेबल होती है वो जो अपन ने पढ़ा था ना फ्राइज रूल कि फ्राइज रूल क्यों होता है फ्राइज रूल होता है वो तो अपन ने पढ़ लिया पर फ्राइज रूल क्यों होता है क्योंकि इसके अंदर एंगल में एक भी डिग्री का स्ट्रेन नहीं आता जो कि बाकी और सारी रिंग्स के अंदर आएगा क्लियर है हेलो हाँ सर हाँ अब मतलब आपने क्या क्या चीज समझी कि यदि sp3 है या sp2 है दोनों ही केस के अंदर 6 मेंबर रिंग इज मोस्ट स्टेबल इन दोनों ही केस में 6 मेंबर रिंग इज मोस्ट स्टेबल
अब इसीलिए हम लोग आगे बोल पाएंगे कि जब भी कभी सिक्स मेंबर रिंग बनेगी उसको भाव ज्यादा है। आपने ना जब अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी ना, तो ऐसे अपन ने कहा कि ये बॉइलिंग पॉइंट में असर डाल रहे हैं, तो ये सिक्स मेंबर एच बॉन्डेड स्टेट है। इसीलिए ये काफी एफिशिएंट है, एफिशिएंट रिंग है। क्योंकि देखिए यदि कभी भी कोई रिंग बनी है ना, तो रिंग बनने के लिए हाइब्रिडाइजेशन, रिंग बनने के लिए हाइब्रिडाइजेशन वो sp2 और sp3 के बीच का ही होगा, और दोनों के लिए सिक्स मेंबर रिंग स्टेबल है। इसीलिए कोई भी रिंग हो उसके लिए सिक्स मेंबर रिंग ही मोस्ट स्टेबल होगी। सर आठ मेंबर नहीं होगी क्या सर? वो भी तो नहीं होगी। अरे भैया आठ मेंबर रिंग जो होगी वो नॉन प्लेनर हो जाएगी, पर वो केवल साइक्लो ऑक्टाविल तो करेगी, बाकी सब में तो एंगल और ज्यादा होगा तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा। छह मेंबर के रिंग में ही स्ट्रेन नहीं रहता है, चाहे sp3 हो चाहे sp2 हो, परफेक्ट बॉन्ड एंगल उसी में बनते हैं, बाकी सब में थोड़ा बहुत स्ट्रेन तो रहेगा ही रहेगा। वैसा है भैया sp3 यदि तो आठ मेंबर के रिंग बनाएगा ना एक प्लेन में, तो 135 डिग्री का एंगल होगा, 135 डिग्री का एंगल एडजस्ट करेगा, कितना एडजस्ट कर लेगा यार। क्लियर है सर? अगर हेप्टेन सर हेप्टो और ऑक्ट में और पेंटो और क्वाड में करना हो तो फिर क्या ऑर्डर रहेगा? हाँ यार ये अच्छा है, यदि मैं पूरे स्टेबिलिटी की बात करूँ ना रिंग्स की, तो सबसे अच्छा सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग होती है sp3 में, सिक्स मेंबर 6c फिर 5c फिर 7c और फिर 8c। ठीक है सर? हाँ दिख रहा नहीं, देखा नहीं सर, आपने 8c नहीं? हाँ सर 8c की जरूरत नहीं थी ना, इसलिए 8c ऐसा कोई कॉमन रिंग नहीं है इसको अपन इतना भाव देते फिरेंगे। जो कॉमन कॉमन है अपन ने सारे कर लिए। सर बोल भाई, ये 6c अगर क्या लिखा है वापस बता ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जो सबसे स्टेबल होएगा ना, सबसे स्टेबल रिंग किसकी होगी? सबसे स्टेबल रिंग होगी इनकी, जैसे 6c 6 एटम की, सी मतलब अच्छा कार्बन है क्या वो? हाँ ओके, हाँ हाँ ठीक है फिर प्रॉब्लम नहीं सर। अभी ये क्या वो गोला कहीं सर, इसके पीछे लॉजिक क्या है ये 65C वगैरह? अबे स्ट्रेन का लॉजिक है ना, इसमें स्ट्रेन नहीं होता है, जीरो। सर एंगल कितना 109 के पास है उतना ही होगा ना? बिल्कुल वही है, इसमें एक डिग्री का स्ट्रेन है। सर बोलो। और sp3 sp2 में कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा, ज्यादा रिंग स्ट्रक्चर क्या sp3 sp2 में अगर कंपेयर करना होगा तो? ये sp3 sp2 के अंदर वही क्या बोल रहे हैं, sp3 sp2 के अंदर sp3 होगा ना सर? अरे मैं बोलूंगा ना यार, प्लीज ना भाई, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर फिर पूरा कंपाउंड की स्टेबिलिटी आएगी, और जैसे ही कोई पाई बॉन्ड एंटर करेगा ना तो वैसे ही स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है तो वो तो मतलब हेक्सेन बेंजीन से स्टेबल होगा ना? होता है, आएगा भी। ठीक है आगे, अब इसके बाद अगले टॉपिक्स हैं जो थोड़े से और अप्लाइड हैं, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन क्या होता है? इट इज एनर्जी रिलीज्ड When? One चीज हो गई। अबे आ गई वापस? नहीं सर, नहीं नहीं सर,
एक तो है ना मेरे को जल्दी कराने का है, ऊपर से स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, मैं नहीं खेलूंगा। आगे 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 सर स्क्रीन गजब। When one mole of compound is burnt in air, मतलब आप अबे यार एक गई आ गई आगे गई में नहीं चलेगा ना फिर से सर नहीं है सर स्क्रीन सर डेफिनेशन डिक्टेट कर रहे लिख लेंगे सर आप हाँ डिक्टेट कर दो सर एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड हाँ बोलो सर निनाद को बोलो ना चैट में लिखने को दिखता ही नहीं है सर चैट के वैसे ओए निनाद भाई चैट मत लिख प्लीज यार ठीक है सर We'll be honored. Thank you. कर दो ना डिक्टेट। हाँ तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज बर्न्ड इन एयर ठीक है सर एक कंपेयर करना है वैल्यूज निकालने हैं मैं बता रहा हूँ अभी कंपेयर करना होता है बड़े अब स्क्रीन ही नहीं है सर इधर ही अब आगे सर आगे 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 HOC is directly proportional to HOC मतलब heat of combustion is directly proportional to number of carbon atoms ठीक है and HOC is directly proportional to number of hydrogens पर number of hydrogens केवल कब जब carbon atom same हो ठीक है एंड एच ओ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी आर वी क्लियर अब जरा एक क्वेश्चन ये करके देखते हैं एच ओ सी कंपेयर करते हैं हाँ बोल भाई सर ऐसे ही ऑर्डर में ना सेम ऑर्डर में क्या सेम ऑर्डर में है ना कि कार्बन एटम्स हाइड्रोजन बिल्कुल बिल्कुल सेम बिल्कुल ये सेम ऑर्डर में सबसे पहले कार्बन एटम्स चेक करेंगे फिर हाइड्रोजन चेक करेंगे फिर स्टेबिलिटी चेक करेंगे यदि दोनों सब सेम फॉर्मूले पे होंगे तो जैसे एक दो तीन चार पांच एच ओ सी का ऑर्डर बताइए बताइए एच ओ सी का ऑर्डर हेलो सर जो दिया है वही है देखिए सर वन टू थ्री इज इक्वल टू फोर फाइव सिक्स सेवन जरा समझिए सबसे पहले क्या आएगा पहले वाले में छह कार्बन है दूसरे वाले के अंदर पांच कार्बन है तीसरे वाले के अंदर चार है चौथे वाले में चार है इसमें चार है और हाइड्रोजन भी सेम है दोनों के तीनों के अंदर तो अब आएगी बात स्टेबिलिटी की इट इज लीस्ट स्टेबल ये अपन लोगों ने सिस ट्रांस के अंदर डिस्कस कर लिया है कि सिस इज लेस स्टेबल देन ट्रांस इट इज मोर स्टेबल और फिर इसके अंदर क्या है इसमें है एक्सटेंडेड हाइपर कॉन्जुगेशन ठीक है फिर तीन कार्बन और फिर दो कार्बन आर वी क्लियर हेलो यस सर यस सर क्वेश्चन वन
क्वेश्चन टू एचओसी का ऑर्डर. सिर्फ हर सबसे ज्यादा क्यों थर्ड वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि उसमें रेजिडेंस नहीं है, बाकी दोनों में थोड़ा थोड़ा तो है. ये छोरा पिट कर मानेगा. नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें बिल्कुल इसका फॉर्मूला है C5H12, इसका फॉर्मूला है C5H10 और तीसरे वाले का फॉर्मूला है C5H8. तीनों में कार्बन बराबर है पर इसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या और कम है. सर रेजोनेंस क्या बोल रहा था? हाँ, हाइड्रोजन ही नहीं है. अब वो जाने उसका काम जाने, मैं क्या जानू. आगे एक दो तीन. अब जरा इन तीनों एग्जांपल को समझिए. ये क्या है? ये रेजोनेंस वाली है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एल्कीन. ठीक है, ये इसमें डबल बॉन्ड दूर दूर है, मतलब कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इनको बोलते हैं आइसोलेटेड एल्कीन. और फिर ये पहली दूसरी पोजीशन के ऊपर है, इनको बोलते हैं. फ्रीज हो गई सर, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है. क्यूमुलेटिव एल्कीन. हाँ जी सर, उसका ऑर्डर 231 होगा ना? किसका? क्वेश्चन का. क्यों सर? वो स्टेबिलिटी की वजह से सर, एक में रेजोनेंस लग रहा है, एक में हाइपर कॉन्जुगेशन और एक में कुछ भी नहीं लग रहा. हाँ वही सेम रीजन है. सर अभी तो आवाज सबसे ज्यादा आ रहा, मतलब इको के साथ. सर बहुत बढ़ गया सर आवाज. अभी भी अभी कम हुआ? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, कहाँ हूँ मैं? तो देखिए अब इसमें क्या होएगा ना, इसका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है कॉन्जुगेटेड एल्कीन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तीनों में सेम है. उसके बाद आती है आइसोलेटेड, और सबसे अनस्टेबल होती है क्यूमुलेटिव एल्कीन. ठीक है, इसके होने का रीजन ये होता है कि भाई यहाँ पे प्रॉपर रेजोनेंस है, यहाँ पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, पर ये जो क्यूमुलेटिव एल्कीन है तो इस वाले कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और स्ट्रेन की वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है. तो अब यदि मेरे को इन्हीं तीनों के अंदर HOC कंपेयर करना होगा, HOC का ऑर्डर ऐसा आएगा. समझ में आ गया?
एचओसी का ऑर्डर क्लियर है सर? बोलो सर, फर्स्ट में रेजोनेंस बढ़ है तो स्टेबिलिटी बढ़ा, लेकिन एचओसी का ऑर्डर कैसे ये पहले कैसे आ गया? क्लियर है हेलो सर, 2 मिनट सर, डाइजेस्ट हो रहा है। सर सर वो स्ट्रेन किधर से आया हो नहीं समझा। ये जो कार्बन है ना बीच वाला, हाँ, ये बीच वाला कार्बन प्लेनर होगा, तो जो इनके ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एक्सिस में उसको रिपेल करेंगे। जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये वाला कार्बन जो है, जो रेड में मार्क किया, ये स्ट्रेन एक्सपीरियंस करेगा। ओके, आगे इसमें क्या ऑर्डर आएगा? फर्स्ट वाले में, येलो वाले में क्या ऑर्डर आएगा? पूरे वाले जो येलो है उसमें सर लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग, ऐसा क्यों? हां सर, नंबर ऑफ कार्बन सुप्रीम है। ठीक है, नीचे वाले में क्या ऑर्डर आएगा सर? राइट टू लेफ्ट आएगा। नंबर ऑफ कार्बन सेम है? और ये वाला लीस्ट स्टेबल रिंग है। आर वी क्लियर? हाँ सर। सर लीस्ट स्टेबल का रीजन क्या है? अबे तीन मेंबर के रिंग है ना, अभी तो पढ़ा है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। सर हाइड्रोजन का कुछ नहीं है इसमें, मतलब सेम ही। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फ्री बॉन्ड तो फ्री होते हैं ना, उनमें काय का स्ट्रेन? वो तो चिल लाइफ जीने के लिए होते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। तू टावर पे कब चढ़ेगा सर? एकदम अच्छे से दिख रही। सर आ गया। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इट इज हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस्ड सैचुरेटेड प्रोडक्ट। मतलब आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन यदि H2 से करवाई, हाइड्रोजन मतलब H2, और इसने CH3 बना लिया, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। समझा? और HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा HOH, यानी कि DB या TB। ये सिर्फ हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में आती है ना? बिल्कुल सही, जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है उसी के अंदर हाइड्रोजन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिस्कस किया जा सकता है। जैसे हीट ऑफ का,
भाई देखो, जब भी कभी अपन किसी एक चीज को ना, इसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हीट ऑफ कंबशन मतलब कंबशन रिएक्शन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बॉन्ड वैसा है कि बॉन्ड एनर्जी इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैसा। सर फिर इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से भी डायरेक्ट नहीं यार, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में दिक्कत क्या हो जाएगी ना कि भाई रिंग है, रिंग के अंदर पाई बॉन्ड नहीं है तो आप उसकी रिएक्शन H2 से करवा ही नहीं पाओगे, फिर फंस जाओगे आप। सर पर उससे रिंग तो टूट जा सकती है। नहीं कि नहीं टूटती ना, घर की खेती नहीं होती ना, केवल पाई बॉन्ड टूटता। सर रिंग ब्रेक नहीं होगी? रिंग ज्यादा स्टेबल। सर इसमें निकल और पैलेडियम नहीं आता क्या? आता है मतलब लगा सकते हो पीडी वीडी, मैं तो बता रहा हूँ केवल रिएक्शन क्या है आगे। और यदि पाई बॉन्ड सेम हो तो एच ओ एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इफ डी बी सेम। जरा देखते हैं पहला केस, किसका एच ओ एच ज्यादा होएगा, पहले वाले का कि दूसरे वाले का? सर पहला वाला। पहला वाला क्यों? सर पाई बॉन्ड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है। क्या ऑर्डर रहेगा? तीसरा दूसरा पहला। क्या ऑर्डर रहेगा सर? बोल भाई। एक सेकंड के प्रीवियस स्लाइड दिखा, मुझे लास्ट वाली प्रोपोर्शनलिटी देखनी है। ठीक है आगे। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड नहीं दिख रही अभी। आगे सर आगे बताओ प्लीज, क्या रहेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? सर डिक्रीजिंग रहेगा। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग रहेगा। इंक्रीजिंग रहेगा। इंक्रीजिंग है मतलब एचओएच का ऑर्डर ये रहेगा, ये लीस्ट स्टेबल, जीरो अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन, छह अल्फा, छह अल्फा, छह अल्फा, पर सिस और क्रॉस, ट्रांस और क्रॉस, एक्सटेंडेड, नौ अल्फा हाइड्रोजन और बारह अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? क्लियर है? चलिए क्या ऑर्डर रहेगा? डिक्रीजिंग। 1 2 3 4। ठीक है आगे। सर इस पे नंबर ऑफ कार्बन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों पड़ेगा जब कार्बन का कोई लेना देना ही नहीं है तो? सर ये क्या है? ये तारे हैं जो टिमटिमा रहे हैं। ये वैसा है कि हाँ जी 1 2 3 अभी दिखेंगे दिन में तारे, चिंता नहीं कर, अभी दिखाते हैं। सर वन वन सबसे बड़ा है। क्यों?
सर की बेंजीन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, आप इसको दोगे नहीं तारे, इसलिए इसलिए उल्टा ही होगा। क्या हो गया? अरे सर बेंजीन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो उसका हाइड्रोजनेशन कम रहेगा सबसे। अरे उसमें बॉन्ड भी तो ज्यादा है मेरे भाई। हाँ सर पर स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा ही ज्यादा है। अरे यही तो बात है, समझो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है, ये वाला, ये ए, ये बी, ये सी। ऑब्जर्व्ड ऑर्डर क्या है, ए सी बी, ठीक है। जरा समझते हैं, यदि हमने इस वाले कंपाउंड की H2 से रिएक्शन करवाई और अपन ने ये बनाया तो ये एनर्जी रिलीज होती है 29 किलो कैलोरी पर मोल। ये इतनी एनर्जी रिलीज करता है डेल्टा एच माइनस में। यदि मैंने ये रिएक्शन करवाई इसकी रेजोनेटिंग सिस्टम वाले की तो ये एनर्जी रिलीज होती है सेकंड वाले केस में 55 किलो कैलोरी पर मोल। और यदि मैंने ये ले लिया बेंजीन थर्ड केस तो इस केस में एनर्जी रिलीज होती है 51 किलो कैलोरी पर मोल। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं। एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड था यदि एक बॉन्ड में 29 जा रही है तो दो बॉन्ड में 58 होना चाहिए और तीन बॉन्ड में 87 होना चाहिए। पर समस्या क्या हुई कि तीन बॉन्ड आने के साथ साथ ये वाला भाई हो गया एरोमेटिक और इसने बहुत ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी इवॉल्व कर दी। समझ में आया? मतलब क्या किया इसने, 36 किलो कैलोरी रेजोनेंस एनर्जी इवॉल्व कर दी। इसने 3 किलो कैलोरी इवॉल्व की और इसने तो कुछ भी। देखिए पॉइंट क्या होता है कि भाई हम एरोमेटिसिटी को क्यों इतना बड़ा फैक्टर मानते हैं, इसीलिए मानते हैं कि भाई उसने 87 से 51 कर दिया, विच इज अ वेरी ह्यूज वैल्यू। समझा सर? वो दूसरा वाला तो एरोमेटिक ही नहीं है, दूसरा वाला रेजोनेंस में है ना सर, तो ये हर एरोमेटिक के लिए होगा क्या? हाँ अभी तो अपन इसको इतना भाव देते हैं एरोमेटिसिटी को कि भाई इतना, मतलब जो एक समझो हर पाए बॉन्ड लगने से स्टेबिलिटी कम होती है, पर जो दो पाए बॉन्ड और तीन पाए बॉन्ड वाला सिस्टम है, बेंजीन सिस्टम जो है, उसमें एक पाए बॉन्ड लगा तो जितनी स्टेबिलिटी उससे कम होनी चाहिए थी रेजोनेंस के कारण वो तो कंपनसेट हुआ ही हुआ, साथ में जो बाजू वाला जो दो बॉन्ड का था उससे भी ज्यादा स्टेबल हो गया वो। पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो साइक्लोहेक्सेन से ज्यादा स्टेबल है, अभी भी वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, जो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा ना उतना ही स्टेबल होता जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल तो प्रोडक्ट ही है। समझा? और जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड, इस चीज को इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया इस चीज को इन्होंने? रेजोनेंस एनर्जी, जो अपन ने पहले कंपेयर करना सीखा था। समझा या नहीं सर? आप एक बार शॉर्ट में बता सकते हैं? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। रिकॉर्डिंग देखना भैया, बिल्कुल सुकून में जियोगे। सर मैं भी डिस्कनेक्ट हो गया था, अपने आप ही हो गया। सर वो रिकॉर्डिंग जल्दी आती नहीं है, 1-1.5 घंटे बाद आती है। नहीं अभी आ जाएगी साथ के साथ। सर एक वीक के पहले के आई नहीं, मतलब YouTube पे? हाँ सर एक वीक के मतलब 24-25 जनवरी तक ही है। अच्छा नहीं, टीम्स पर मिल जाएगी आपको, इसलिए बोल रहा हूँ। सर आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं क्या? हाँ सर मुझे नहीं दिख रही सर, और कब से नहीं दिख रही, मतलब मैं डिस्कनेक्टेड। ठीक है साहब, आप एक काम करिए, यहाँ तक आप डिस्कनेक्टेड रहिए, आप प्लीज पढ़िएगा यहाँ तक, बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ऑफलाइन मिलते हैं और उसी क्लास को हम लोग
मैं अभी गुप्ता सर से बात करता हूँ, 99.99% हम उसको स्ट्रीम करेंगे फॉर इनिशियल फ्यू डेज. हाँ, और बाकी मैं इसको अभी अपडेट कर दूंगा. मैं आपको बस ये पीडीएफ भेज दूं इसका, कृपया करके यहाँ तक रिवाइज करिएगा. मैं अभी आज वापस से एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं हूँ. मंडे को हॉलिडे होगा, बिल्कुल ऑफलाइन चालू होगी तो मंडे को हॉलिडे होगा. ट्यूजडे टू सैटरडे चलेगा, मंडे को टेस्ट डे घोषित कर दिया जाएगा. हाँ बोल भाई. सर 14, 15, 16 के लिए रिकॉर्डिंग रखना, मतलब वो एनटीएसई एग्जाम है तो इनकेस. नहीं नहीं सर, मतलब वो हमने सोचा है तो ना 14, 15, 16 को तो पक्का वो रहेगा ही रहेगा, जो लाइव क्लास होगी ना वो रिकॉर्ड भी होगी. रिकॉर्डिंग एनेबल रखो. नहीं, रिकॉर्डिंग तो हर रोज ही एनेबल रहेगी. वो मैं तो वो तो रहेगा, वो कोई इशू ही नहीं है. वो आपके, मेरे को मालूम है आप लोगों का एनटीएससी का एग्जाम है, तो वो एनटीएससी का एग्जाम आपका है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप चिंता नहीं करें. आप कल आएंगे ना मंडे को, तो आपको मंडे को आपके सारे डाउट्स क्लियर करके दे दिए जाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए. यदि नहीं भी आएंगे, ऑनलाइन भी देखेंगे तो भी आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए. तो कब से, कमिंग मंडे से शुरू होगा या नेक्स्ट मंडे से शुरू होगा? यार कमिंग मंडे से ही चल रहा है, क्योंकि वो बाकी के फिर टाइम स्लॉट बैठते नहीं है. हमने मैंने बात की थी, पर वही था कि फिर वो ना जीटी बैठता है ना सक्षम बैठता है, इसलिए. पर आप यदि नहीं आना चाहेंगे तो दो चार दिन, तो हम लोग अभी बात करके उस चीज के ऊपर वर्क कर लेंगे.